दोस्तों 370 हटने के बाद कश्मीर में ये पहला इलेक्शन हुआ है और बहुत शानदार इलेक्शन हुआ है और इसमें पाकिस्तानी और गुपकार गैंग के पूरे सपने चकनाचूर हो गए हैं क्योंकि कश्मीरियों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है। अब सबसे पहले कश्मीरी जो लोग हैं उनका रिएक्शन देखिए इस वोटिंग पर, वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले उनका रिएक्शन देखते हैं। गरीब लोग रहते हैं यहाँ, ये पहाड़ी इलाका है, बर्फानी इलाका है, इसमें फसल तो एक ही होता है, इसमें बहुत प्रॉपर है, इसमें जो पढ़े लिखे हैं वो दर बदर हैं, जो मजदूर हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती, तो इस इलाके में तामीर तरक्की के लिए हमने ये मजदूर वोट दिए हैं। बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहा है, लोग कतारों की कतारों में अपना वोट डाल रहे हैं, इससे बहुत फायदा मिलेगा अपनी मतलब पंचायत राज में अपने काम ब्लॉक के लिए, जो तामीर तरक्की है इसके लिए जरूरी है और बदलाव भी लाना है अपने तरीके से गाँव में काम होगा। वोटिंग हो रही है, ठीक तरह से हो रही है, अच्छी तरह से हो रही है, इंतजाम भी अच्छे हैं, सिक्योरिटी के भी इंतजाम अच्छे हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, वो भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से देते हैं। इस तरह इस वक्त जो है फ्री फेयर एंड सेफ जो इलेक्शंस का ये प्रोसीजर चल रहा है, इसमें कोविड का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और बाकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी है। सर यहाँ पर आज सुबह से वोटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोडों की, बिजली, वाटर, यहाँ पर बहुत सी किल्लत है, ऐसी पानी की किल्लत है और लोग चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर संविधान हो जाए, इसलिए सर यहाँ पर वोटिंग करने के लिए बहुत से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों आपने कश्मीरी लोगों का रिएक्शन देखा। आपको बता दें ये इलेक्शन सुबह 7 बजे से 2 बजे तक था। अब इतनी कड़ाके की ठंड में भी कश्मीर के लोग लाइन लगकर वोटिंग कर रहे थे और ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तान मीडिया तिलमिलाया गया है और अपनी आवाम से ऐसा झूठ बोल रहा है जिसको अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और झूठ बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो अब आप पाकिस्तान मीडिया का ये वीडियो देखिए। और इलेक्शंस की बात करें तो जरा मकबूजा कश्मीर के इलेक्शंस की तरफ चलते हैं। वो इलेक्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के इलेक्शंस हैं, जिसके अंदर कश्मीरी पार्ट नहीं ले रहे, वो इलेक्शंस जो कि एक ऐसे इलाके में करवाए जा रहे हैं जहां कंटिन्यूस पेलेट गन्स का इस्तेमाल है, जहां कंटिन्यूस ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है। सोहेल साहब, ये किस किस्म की ड्रामेबाजी है? यानी एक जगह पर आप उन्हीं लोगों के ऊपर छर्रे बरसा रहे हैं, उनको अंधा कर रहे हैं, उनको जख्मी कर रहे हैं और कोई इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, दूसरी तरफ आप इलेक्शन करा के दिखा रहे हैं हम तो बड़ी जमहूरियत। देखिए अनिका, भारतीय सरकार ने मकबूजा कश्मीर में जमीनी इंतखाब कराने की कोशिश की गई और दुनिया को भी उन्होंने उसका एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की, लेकिन पता ये चला कि वहां पर तमाम तर उनके हथकंडों के बावजूद, फोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल करने के बावजूद टर्नआउट जो था वो 5% से ज्यादा नहीं रहा। दूसरे अल्फाज के अंदर कश्मीरियों ने इस जमीनी इंतखाब को मुस्तरद किया बड़े खुले तरीके के साथ। तो दोस्तों आप पाकिस्तान मीडिया का सिर्फ झूठ देखिए, कितना सरासर झूठ बोलते हैं। 5% वोटिंग की बात कर रहे हैं जबकि 10 बजे तक 30% वोटिंग हो चुकी है, आप वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। कोई हिंसा नहीं, बिल्कुल शांति से ये बहाली हुई है, इसलिए पाकिस्तान अपनी मीडिया को, अपने लोगों को झूठ बोल रहा है। यही हाल गुपकार गैंग का है, जिस तरीके से पाकिस्तान बात करता है उसी तरीके से ये बात करते हैं। वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।